और खबर दंतेवाड़ा से दो इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। सोढ़ी भीमा और सोढ़ी नन्ना गिरफ्तार हुए हैं। दोनों पर था 2-2 लाख का इनाम। डीआरजी, सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवानों ने अलग अलग थानों से गिरफ्तार किया है। 3 बच्चों को भी गिरफ्तार किया है। बाल संगम नक्सली होने की वजह से बाल संप्रेषण गृह में भेजा गया है। गिरफ्तार नक्सलियों पर पुलिस पार्टी पर हमला, हत्या, साजिश रचने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आरनपुर थाना क्षेत्र से हुई है इन लोगों की गिरफ्तारी। पंकज सिंह भदौरिया अधिक जानकारी के जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, ये जो गिरफ्तार नक्सली है ये दंतेवाड़ा जिले के आरनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं। नीलावाया का इलाका पड़ता है। भीमा और नंदा एक्शन टीम के सदस्य बताए जा रहे हैं। मलंगीर एरिया में सक्रिय नक्सली है और दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम होने का दंतेवाड़ा पुलिस दावा भी कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बाल संगम के भी नक्सली पकड़ाए हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, 11 साल 13 साल, इसलिए उनकी शिनाख्त को पुलिस ने नहीं किया और अपने अपने प्रेस विज्ञप्ति में उनकी तस्वीरें नहीं लगाई क्योंकि उन्हें सीधा बाल संप्रेषण से भेजा गया है। ये जो बाल संगम के नक्सली होते हैं ये इनका ब्रेन वॉश करके नक्सली अपने साथ इन्हें रखते हैं और आने वाले समय में इनका इस्तेमाल करते हैं। पुलिस की रेकी करना, कहीं पर पुलिस की पार्टी निकली तो उनकी गाड़ियों का नंबर दिखना, इस तरीके का काम बच्चों से करवाया जाता है। जी, अब आगे क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से बाल संगम के नक्सली मिले हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? उन्हें अभी तो भेज दिया गया है और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आगे क्या प्रोसेस रहेगी इसमें? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बाल संगम के नक्सली मिले इनको बाल संरक्षण गृह में भेजा गया है, तो यहाँ पर इनका ब्रेन वॉश करके और इनको जो ब्रेन वॉश किया है नक्सलियों ने उसमें सुधार लाने का पहला तो प्रयास किया जाएगा और साथ में उन्हें बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ पर उनका दाखिला करवाना है, ये सारी व्यवस्था प्रशासन करवाएगी। दरअसल देखने तो ये मिलता है कि दंतेवाड़ा जिले में ट्रैवल एरिया होने की वजह से यहाँ पर बच्चों को भी नक्सली ब्रेन वॉश करके अपने संगठन का हिस्सा बना लेते हैं और बच्चों का जब ब्रेन वॉश होता है तो वो पुलिस के लिए बहुत खतरनाक चीज है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया।